हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम्स। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। वी स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम आवर इंग्लिश वर्क। ओके, टुडे वी हैव टू डू वर्क इन बोथ, इन नोटबुक एंड इन वर्कबुक। एज यू ऑल नो कि हमारा सैटरडे को इंग्लिश रिकैप है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? रीडिंग करने वाले हैं वोकैब्स की। टुडे वी हैव टू डू रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 19. ओके, रीड द लेटर्स। ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एयरक्राफ्ट, ए फॉर एरो। नाउ नेक्स्ट लेटर इज वी। वी फॉर वायलिन, वी फॉर वैन, वी फॉर वास, वी फॉर वल्चर। एंड नाउ वी हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 23. कम्स ऑन पेज नंबर 23. ओके, यहाँ पे हमें टू लेटर्स करने हैं, W एंड Y। हमें आज इनकी वोकैब को रीड करना है, ओके okay? अच्छे से लर्न करना है आपको। W, W फॉर वॉलरस, W फॉर विसल, W फॉर वॉच एंड W फॉर विंग। राइट, नाउ आवर नेक्स्ट लेटर इज Y। Y for yak, Y for yo-yo, Y for yacht, Y for yum. Okay, now we have to move on page number 29. On this page we have to read letters K, N and M. Read the vocabs. K, K for kite, K for kangaroo, K for kettle and K for key. Now our next letter is N. N for nest, N for net, N for nail and N for nightingale. Our next letter is M. M for monkey, M for mango, M for mat and M for mug. आज आपको इन थ्री पेजेस पे जो मैम ने आपको लेटर्स बताए हैं, इनकी अच्छे से वोकैब को ड्रिल करना है और लर्न करना है। ओके, नाउ मूव टू ऑन नोटबुक वर्क। एज ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नोटबुक वर्क। ओपन इट। एज यू ऑल नो, फर्स्ट सैटरडे को हमारा इंग्लिश का रिकैप भी है एंड हमारा राइटिंग वीक भी चल रहा है। ओके, हमारा 29th को राइटिंग कंपटीशन भी है ना, राइटिंग प्रेजेंटेशन भी है इंग्लिश का, तो आपको उसके लिए भी प्रैक्टिस करना है और रिवीजन भी करना है। तो आपको वन टाइम जो आप ए टू जेड लिखेंगे उसको लर्न भी करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे और उसे ब्यूटीफुल भी लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेशन में। ओके पेरेंट्स, आप इनको डियर पेरेंट्स प्लीज आप इनको डॉट्स लगा के देंगे ताकि जो उनकी सीक्वेंस है बिल्कुल परफेक्टली नजर आए, वो कहीं पे मर्ज नहीं करे लाइंस को। ओके, लेट्स स्टार्ट। ए, बी, सी, डी, और आपको ड्रिल करके ही लिखना है। अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ओके, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी।
U V W X Y Z। अगर आप कहीं पे भी किसी लेटर को भूलते हैं तो आप फिर से उसे ड्रिल करेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट पेज। आवर नेक्स्ट वर्क इज डिक्टेशन। आपको पूरे ए टू जेड सभी अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज हो गए हैं अच्छे से, तो अब आप इसे आज मम्मा डिक्टेशन में क्या होता है, मम्मा आपको लेटर्स बोलती हैं और आपको थिंक करना है उनको, अच्छे केयरफुली लिसन करना है उनको, थिंक करना है फिर ही लिखना है। ओके, लाइक मैम मम्मा ने बोला पी, यू हैव टू थिंक हाउ टू राइट पी, बहुत केयरफुली लिखेंगे। यस, पी, पी फॉर पैरेट, स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व, पी। आवर नेक्स्ट लेटर इज लेटर डी, हाउ टू राइट डी, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, डी। एंड नेक्स्ट लेटर इज एस, हाउ टू राइट एस, थिंक करेंगे अच्छे से, हाउ टू राइट एस, यस, स्मॉल कर्व देन रिवर्स कर्व, एस। नाउ नेक्स्ट लेटर मम्मा ने बोला आपको ए, यू हैव टू थिंक हाउ टू राइट ए, यस, स्लैंट लाइन देन स्लीपिंग लाइन ए। एंड नाउ आवर नेक्स्ट लेटर इज लेटर जेड, हाउ टू राइट जेड, यस, थिंक करना अच्छे से, जेड, हाउ टू राइट जेड, स्लीपिंग लाइन स्लैंट देन स्लीपिंग। पेरेंट्स आप इसमें कितने भी लेटर्स बोल सकते हैं डिक्टेशन में, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप यही फाइव लेटर्स बोलेंगे। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट वर्क।